वेलकम गाइस, वेलकम टू मेडिकल स्टफ। आर एम जो है वो टेस्ट थ्री और टेस्ट फोर पार्ट टू अपना करेंगे। थोड़ा स्पीड में करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप वीडियो स्टॉप करके बाद में देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास, एक विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखें सारे कलर्स हैं लेकिन चेयर हमारे पास भाई इधर कलर नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो चेयर है। दूसरा सवाल है सिंगल टू डबल, सिंगल जो है वो डबल है तो वन क्या होगा, वो टू होगा, तो वन इज इक्वल टू टू अल्फा आंसर है। राइट द करेक्ट आंसर। आप देखें कि आपके पास सीरीज है, सीरीज करने का ठीक है, ये आपने पैटर्न देखा होता कि पैटर्न उसमें क्या क्या है। अब 17 के बाद 23, तो 17 में कितने प्लस किए हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 प्लस किए हैं ठीक है। फिर 23 में 7 प्लस किए हैं, 30 आया, 30 में 8 प्लस करेंगे 38 आएगा, 38 में हम जो है वो 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 47 जो है वो इसका आंसर आएगा ठीक है। राइट द करेक्ट आंसर। तो इसमें 62 को डिवाइड बाई 2 की, 2 को डिवाइड बाई 2 के 16 है, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 है, 8 को 2 से 4, चार दो से दो, दो को दो से करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक आंसर इसका चौथे का जो है वो एक आंसर आएगा ठीक है। पांचवा हमारे पास ये, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, कौन सी सीरीज अगली आएगी, तो 5, 9, 17, 33। अब आपने ये देखना है कि आपने ना पैटर्न देखना है, अब 5 के बाद 9 आया इसका मतलब हमने 4 प्लस किया है ठीक है ना, 9 के 17 रखा मतलब हमने 8 प्लस किया, मतलब हम डबल प्लस कर जा रहे हैं क्या, 5 को 4 से प्लस किया, 9 को 8 से, 8 को 8 टू 16 होता है, 16 को 16, 16 को 17 से करेंगे, 17, 16, 2, 32 होता है, 2, 33 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65 ठीक है। समझ आ गया आपको, हमने जो है वो डबल नंबर से प्लस करते जाना ठीक है, 4 प्लस किया, 4, 2, 8 को प्लस किया, 2, 16, 16 को प्लस किया, 16, 2, 32 को प्लस किया, 33 करने तो 65 आंसर आया। और फिर कम है इस फॉलोइंग सीरीज, आप देखें जब ये सवाल जो होते हैं पैटर्न चलते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अब 8 से 10, यहाँ पर अब 10 आएगा, अब 10 वाले हमारे पास 2 हैं। अब ये देखें दूसरा, देखना 90 को 80, 80, 70, 70, 70 से 60 और 60 से पीछे आएंगे तो हमारे पास जो है वो 50 आएगा ठीक है। हम 10 माइनस देते हैं तो ये हमारे 10 और 50 आंसर आएगा ठीक है। व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज, अब 11, 8, 16, 17, 14, 28। अब आपने इन पैटर्न को देखना है, तीन तीन में डिवाइड कर लेना है इसको आपने। अब आपने क्या करना है कि ना, आपने सिर्फ ये करना है कि 11, 8, 16 तीन के बाद जो फिगर आती है ना वो प्लस वन आती है, 16 के बाद कितना आया 17, अब 1, 2, 3 ठीक है, अब 28 के बाद 28 के बाद 1 कौन सा आएगा, 29 आंसर आएगा ठीक है ना। तो ये आपने पूरा प्लस माइनस करने नहीं बैठ जाना, वो उस तरीके से भी हो जाएगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म ये कि आपने तीन तीन देखने के 1, 2, 3 ठीक है, 16 के बाद मतलब तीन जो वैल्यू थी उस वैल्यू में हमने प्लस वन किया तो 17 आया ठीक है। तब 1, 2, 3 अब तीसरी जो वैल्यू है उसमें प्लस वन करेंगे तो 29 आएगा, तो उसका आंसर जो है बीटा आएगा। आसान तरीका टिप्स है सॉल्व करने के। व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज, 1, 10, 19, 20। अब 1 में हमने प्लस किया है 9 ठीक है, फिर 10 में हमने प्लस किया है 9, 19 में प्लस किया है 9 ठीक है, अब 28 में भी जब हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 प्लस 9, 37 जो है वो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब व्हाट विल कम नेक्स्ट इन नेक्स्ट ईयर, अब 120, 108, 97, 87, 78। अब देखें ये आपने कैसे करना है, अब 120 में से हमने माइनस किए हैं 12 तो आया 108 ठीक है, 108 में से हम माइनस करेंगे, 108 में से माइनस करेंगे 97, 98, 99, 100 ठीक है, और अब 108 की बात आ गई ठीक है। अब 120 में से हमने माइनस किया है 12, हमने 12 माइनस किया ठीक है ना, 108, 97 में डिफरेंस होता है 11 का, इसमें हमने 11 माइनस किया, 97, 87 में से हमने 10 माइनस किया, यहाँ 9 माइनस किया और अब यहाँ हम 8 माइनस करेंगे ठीक है। 17 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 70 आंसर आएगा ठीक है। हम पहले 12 माइनस किया, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 करेंगे तो 70 आंसर आएगा। बुक जो है टाइटल से होती है तो मैन उसके नेम से होता है, इसका डी आंसर है। इंसर्ट द करेक्ट वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड हमने इंसर्ट करना है। अब हमारे पास क्या है, इसका 49, 48, 45, 40। अब देखें 49 में से हमने 1 माइनस किया है ठीक है, यहाँ पर हमने कितना माइनस किया है, 1 माइनस किया। 48 यहाँ हमने जो है वो 3 माइनस किया, यहाँ 5 माइनस किया, यहाँ 7 माइनस किया, यहाँ हमने जो है वो 9 माइनस किया और यहाँ हम 11 माइनस करेंगे। 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा। कैसे, हमने ऑड नंबर को माइनस करें, पहले 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। जब 24 से 11 निकालेंगे तो 13 आंसर आएगा। 100 जो होता है इज टू सीड और रीप जो होता है उससे ग्रेन निकलती है। फिश इज टू स्विमिंग, तो स्नेक जो है वो रिंगता है, क्रॉलिंग करता है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट, लिस्ट में कौन सा वर्ड जो है वो लॉन्ग नहीं, तो नेक टाई जो है वो एक अलग चीज़ होती है, एक्सेसरी चीज़ है ये भी, ये बाकी जो है कंपलसरी चीज़ है। कंप्लीट द सीरीज़, अब इसमें अपने जो इन सीरीज में ना अपने ग्रुप्स बनाने होते हैं ठीक है, अब इसमें ग्रुप्स पे चलना होता है कि 3, 4 ठीक है, 10, 11, 17, 18। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है,
सिक्स का डिफरेंस है, तो इसके अगले के दरमियान भी जो है वो सिक्स का डिफरेंस होगा और प्लस मेमोरी है। फोर में सिक्स तो टेन आता है, ग्यारह में सिक्स प्लस करें तो सत्रह आता है, अठारह में सिक्स प्लस करेंगे तो चौबीस आंसर, 24 आंसर आएगा। राइट नंबर कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है आप, एट वन माइनस वन सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू, ये तो बहुत आसान सवाल है, वन वन माइनस करते हैं टू आंसर होता है। लाइट को मतलब क्या, देखने के लिए आँख को देखने के लिए लाइट चीज़ होती है और साउंड को देखने के लिए, साउंड को सुनने के लिए सॉरी ईयर की जरूरत होती है। गर्ल जो है वो ग्लासेस वियर करती है बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक स्मार्ट, ये ऐसे सवाल आते नहीं होते, इसको करने जरूरत नहीं आपको। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अब श्योर यकीनन ट्रू सही सर्टेन भी ठीक, वैग्यू करते हैं दट इज अनक्लियर होती है जो कि मध्यम होती है, तो वैग्यू इन सबसे अलग है, बाकी सब जो है शॉर्ट ही देते हैं, वैग्यू जो है मध्यम है। अब इसमें इस सीरीज में देखें कि सीरीज वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान से किया करें, समझ चुके हैं। अब देखें वन के अंदर थ्री प्लस किया है, ठीक है, फोर के अंदर जो है वो फाइव प्लस किया है, नाइन के अंदर जो है वो सेवन प्लस किया है, सिक्सटीन के अंदर जो है वो नाइन प्लस किया है, ट्वेंटी फाइव के अंदर इलेवन प्लस किया, थर्टी सिक्स के अंदर हम थर्टीन प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। अब इसमें भी हम जो है वो ऑड फिगर्स प्लस करें इस सवाल के तरह, ठीक है, पहले हमने एक प्लस किया, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन, ऑड फिगर्स प्लस करें, फिर इलेवन और फिर थर्टीन प्लस।